हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं पंकज सर आपका स्वागत करता हूँ कौटिल्या बलरामपुर में। बच्चों, जो बच्चे हमसे हमारे डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए हैं या जो बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती और तुलसीपुर, यहाँ से बच्चे जुड़े हुए हैं, खासकर उनके लिए आप लोग को एक छोटा सा मैसेज डिलीवर करना था। हम लोग पूर्ण रूप से, हमारी पूरी टीम कौटिल्या बलरामपुर की तत्पर है आपको पढ़ाने के लिए। और हम लोग का जो मेन टारगेट है मेंस का, जिसमें हम लेखपाल के बैच स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग के यहाँ एक बैच फिलअप हो चुका, भर चुका, तैयारी चल रहा है। कुछ बच्चे जो हमारे बेल्ट के हैं वो इस दौर में बैठे हुए हैं, इस सोच में बैठे हुए हैं कि जब सरकार कुछ एक्शन लेगी, जब हमारा एग्जाम डेट आएगा तो हम तैयारी करेंगे। हम उनको ये बताना चाहते हैं कि आज के दौर में सरकारी नौकरी का मतलब दो चीज है, आपका किस्मत और प्लस आपका मेहनत। और लक जो कहते हैं, जिसको भी गवर्नमेंट जॉब मिलता है, वो जब आपकी पूरी तैयारी होती है और तैयारी के साथ में आपको मौका मिलता है, मौका प्लस तैयारी, फिर आप सिलेक्ट होते हैं। तो आप इस इंतजार में बिल्कुल मत बैठिए कि आपका जो है फॉर्म फिलअप करेंगे, डेट आएगा एग्जाम का, फिर ज्वाइन करेंगे, एक महीने का, दो महीने का सिलेबस है, पूर्ण हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि इसमें संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बच्चे बैठेंगे। सरकार जो भी अपना कर रही है कि एग्जाम कब करवाएगी, कैसे होगा, क्या होगा, उसके ऊपर छोड़िए, आप अपनी तैयारी पर फोकस कीजिए। महाराष्ट्र में सारे स्कूलें खुल गई हैं, सारे कोचिंग संस्थान खुले हैं। दरअसल अभी यहाँ पर भी बहुत ज्यादा ऐसा कोई आदेश नहीं कि हमें बंद करना है या कहीं लॉकडाउन वगैरह का कुछ भी नहीं है। बस हमको एहतियात बरतते हुए और मास्क लगा के आप आए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर जुड़े। आपके पास पूरे मंडल के सबसे अच्छे टीचर आपके साथ में हैं। हम जो कहते हैं उससे ज्यादा करके दिखाते हैं। हमारा सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि हम अपनी प्रचार प्रसार नहीं कर पाते, हम भुना नहीं पाते कि हमारी उपलब्धियां कितनी हैं। हमारी संस्था को 6 साल विगत हो गया, उसमें कोई ऐसा वर्ष नहीं रहा है जिसमें हम लोगों ने सिलेक्शन न दिया हो, चाहे वो यूपीएससी का रहा हो, चाहे वो इंटर एग्जाम का रहा हो, चाहे वो टेट, सुपर टेट, सीटेट। लेकिन हम लोग कभी ये नहीं करते कि हाँ बहुत जोर जोर से झूठा प्रचार प्रसार, झूठों का, ऐसा कुछ नहीं। हम दिल से बच्चों को पढ़ाते हैं और मेहनत करते हैं उनके साथ साथ। जब तक मेहनत करते हैं, जब तक वो उनका एग्जाम का लास्ट डेट, लास्ट दिन नहीं होता है, तब तक हम उनके साथ रहते हैं। अभी टेट का पेपर संपन्न हुआ, उसमें हमारे संस्था में जितने भी शिक्षक थे उनके द्वारा पढ़ाया हुआ सेम टू कॉपी क्वेश्चन आया। सारे बच्चे बहुत प्रोत्साहित हैं, बहुत ही खुश थे। और मैं सारे बच्चों से, जो मेरी वीडियो को देख रहा है, जो मेरी बातों को सुन रहा है, मैं उनसे यही बोलना चाहूंगा कि अब देर ना करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में ज्यादा से ज्यादा लोग आकर जुड़े। और ये मौका है 2015 के बाद में लेखपाल का, आप अपना एक सीट जरूर सुरक्षित कर लें। उसके लिए आपको 3 महीने 4 महीने का जो भी टाइम आपके पास है वो बहुत ही काउंटेड समय है, बहुत ही निर्धारित समय है। एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट आपके लिए बहुत जरूरी है। आपका मैथ स्ट्रांग होना चाहिए, 25 क्वेश्चन, आपका साइंस जीएस स्ट्रांग होना चाहिए, हिंदी अच्छा होना चाहिए। जब तक आप चारों दिशाओं से आक्रमण नहीं करेंगे, जब तक आप 110% रिजल्ट नहीं लाएंगे, तब तक आपका सिलेक्शन हमारे अनुसार पूर्ण नहीं है। तो हम जितना कर सकते हैं उतना पहले करें, हमारे अंदर जितना ताकत है सारा लगा देना है, क्योंकि कुछ नौकरियां हैं जो कभी कभी आती हैं और ये ऐसी नौकरियां हैं कि एक बार आपके हाथ में आए तो आपको ऊपर ही जाना है, आपका कभी डिमोशन नहीं होना है, हमेशा आपको प्रमोशन होना है। तो आपके आसपास जितने भी बच्चे हैं उनको आप, उनसे जोड़िए। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपको लाखों की संख्या में बैठकर एग्जाम देना है। अगर आप 2, 4, 10 के बीच में बैठोगे तो आपके अंदर वो ऊर्जा नहीं होगा, आपके अंदर वो एहसास, वो फीलिंग नहीं आएगी कि हाँ हमें
एक नंबर हमें मिला है कि हमें 10 नंबर मिला है, हम नीचे से टॉप किए हैं या हम ऊपर से टॉप किए हैं। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आप भीड़ में आए, भीड़ में चीजों को सॉल्व करें, भीड़ में अपने कंपटीशन, अपने कॉम्पिटिटर को कॉम्पीट करें और अपने आप को सिद्ध करें कि आपके अंदर कितना ज्ञान है। और हम 24 घंटा हमारी टीम आपके साथ है। और कोई ऐसा बच्चा जो इकोनॉमिकली कंडीशन उसका खराब है, विगत 3 साल से कोरोना चल रहा है, हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे शिक्षक जुड़े हुए हैं जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, हमारे जो डायरेक्टर सर हैं, वो पीसीएस अधिकारी हैं, आप सबको पता है हमारे यहाँ जितने और भी लोग हैं, तो उनके डोनेशन से हम लोग एक कैंपिंग भी करते हैं कि ऐसे बच्चे जो हैं जो पूर्ण रूप से फीस नहीं दे सकते हैं, फिर भी वो पढ़ने में उनका मन है कि हमें पढ़ना है, या उन्होंने पेट का एग्जाम दिया है, उनका मेंस लगा है, या वो सिविल की परीक्षा देना चाहते हैं, किसी तरह की वो काउंसलिंग चाहते हैं कि भविष्य में वो क्या करें, तो वो बेधड़क बिना सोचे वो कौटिल्या कोचिंग संस्थान में आए। यहाँ पर आपके सारे प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा, जितना हमसे हो सकता है पूरा आपका सहयोग किया जाएगा, लेकिन जब तक आप नहीं आएंगे, आप अपना कदम नहीं निकालेंगे, तब तक रजाई के अंदर बैठकर केवल ट्वीट हो सकता है, उससे देश नहीं बदल सकता। तो अगर आपको कुछ करना है, नौकरी लेना है, अपने घर की मुसीबत को दूर करना है, अपने समाज की बुराइयों को दूर करना है, तो आपको शिक्षित होना बहुत जरूरी है। किसी शिक्षक ने कहा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पीता है वो दहाड़ता जरूर है, तो उसमें लॉजिक है। तो ये जरूरी है कि आपको शिक्षित होना है, आप घर से निकलिए और हम लोग आपके साथ में हैं। कोई भी बच्चा ऐसा है जो कोरोना महामारी की वजह से फीस नहीं दे सकता है, कोरोना महामारी से उसका पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है, वो आकर हमसे मिले, हमारी संस्था में आए, हम उसका पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे, उसको एक पैसा भी नहीं देना है, वो यहाँ से नौकरी ले, नौकरी करने के बाद अगर उसका मन कहेगा तो वो देगा, नहीं तो हम हमेशा उसके साथ हैं। तो हम यही कहेंगे कि अब देर बिल्कुल मत करें, सिलेबस धीरे धीरे आगे कंटिन्यू बढ़ रहा है, हमारे पास सारे टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं, पूरे मंडल में कहीं भी जीएस का केवल एक चेहरा होता है, ये सबको पता है, जीएस पढ़ाने वाला केवल एक टीचर होता है, वो आपको हिस्ट्री पढ़ाता है, ज्योग्राफी पढ़ाता है, साइंस पढ़ाता है। हमारे यहाँ जीएस के पढ़ाने वाले 5 से 6 टीचर हैं, इवन आपको ये मिलेगा कि एक एक सब्जेक्ट के 2-2 टीचर आपको मिलेंगे, साइंस का 2 टीचर, मैथ का 2 टीचर, हिस्ट्री का 2 टीचर, ज्योग्राफी का 2 टीचर। इस तरह से हमारे यहाँ चीजों को एग्जामिन किया जाता है, चीजों को एक रूप से आकलन किया जाता है कि कहाँ बच्चा की कमजोरी है। बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं लेकिन हमारा काम है चलते रहना। तो हम समय निर्धारित समय से सिलेबस पूर्ण करवाते हैं, निर्धारित समय से उनका एग्जाम करवाते हैं, टेस्ट लेते हैं, जिससे हमारी रिजल्ट आती है। पूरे मंडल में अगर देखा जाए रिजल्ट के बेस पे जितनी हमारी स्ट्रेंथ है हमारे यहाँ, तो रिजल्ट हमारा बहुत ही बेहतर होता है, चाहे टेट का हो, चाहे सुपर टेट का आने वाला है, चाहे सीटेट का रहा हो, या कोई भी वनडे एग्जाम है। बहुत सारे बच्चे हैं जो रेलवे के प्री पास करके बैठे हुए मेंस में, उन बच्चों को मेंस देना है, पेट में सारे लगभग 80% रिजल्ट हम लोग का था, सारे बच्चे पेट क्वालिफाई है, उनको मेंस देना है। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके घरों के आसपास जो भी बच्चा है, आपकी सिस्टर, आपकी अंकल आंटी, जो भी कोई है पढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है, कोई अपने किसी भी किसी ऐसे कार्य से परेशान है या मानसिक रूप से परेशान है कि वो अपने जीवन में क्या करे, उसके रास्ते नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, उसे किसी तरह की काउंसलिंग की जरूरत है, बेधड़क आप कौटिल्या संस्थान में आइए, आपके सारे ऐसे जो प्रश्न हैं उनका हम लोग उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। और मैं आप लोगों से, सारे बच्चों से जो भी हमारे संस्था से जुड़े हुए हैं या जो हमारी आवाज सुन रहे हैं, उन सभी बच्चों से मैं पुनः निवेदन करूंगा कि आप जल्द से जल्द ज्वाइन करें। हमारा दूसरा बैच 2 से स्टार्ट होगा और तीसरा बैच 4 बजे से स्टार्ट होगा, पहला बैच 10 बजे से स्टार्ट है जो पूर्ण रूप से भर चुका है, और
सिलेबस कंटिन्यू आगे बढ़ रहा है। स्पेशल हम लोग बात करेंगे इस समय जो एग्जाम लगा है यूपीपी का, उत्तर प्रदेश पुलिस का और लेखपाल का, ज्यादा जोर हम लोग का उस पे है। बाकी सिविल की जो परीक्षाएं हैं उस पे जो हमारा सिविल का क्लास चल रहा है वो चल ही रहा है। 1 फरवरी से हम लोग सीटेट सुपर टेट का नया बैच बना रहे हैं। जो बच्चे बाहर जाकर पढ़ने में सक्षम नहीं है, घर पे बैठ के तैयारी करते हैं, कुछ लोगों को लगता है बाहर हमें बहुत अच्छा मटेरियल मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारा सिलेक्शन आपके ऊपर निर्भर होता है कि आप कितना पढ़ते हो, और वो करवाना एक टीचर की जिम्मेदारी, संस्था की जिम्मेदारी होती है। हम पढ़ाते केवल इतना है कि आपको केवल एक रास्ता बताते हैं, वो हम बाकायदा हमको आता है। तो हम आपसे उम्मीद रखेंगे कि 1 तारीख से आने वाला जो हमारा सुपर टेट का बैच है, एक साथ में सारे लोग इकट्ठा आए और 1 फरवरी से हम सुपर टेट का बैच स्टार्ट करेंगे। और जो हमारा लेखपाल का बैच है, सेपरेट लेखपाल का बैच चल रहा है उसमें उसको ज्वाइन करें, यूपीपी का बैच चल रहा है उसको ज्वाइन करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।